शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यश पर सिर्फ मेरी ऋचा का अधिकार है। एक बार तो तूने उससे उसका अधिकार छीन लिया है। इतना सब होने के बाद भी चुप रहना ठीक नहीं है बेटा। बता आज किसने किया? इसकी भोली सूरत पर मत जाओ सुबोध। एक नंबर की झूठी और मकार है। आजकल गज भर की जबान बाहर निकल आई है। क्यों री? मेहमानों के सामने हमारा तमाचा बना के कलेजे में ठंडा पड़ गई तेरे। तेरी वजह से लोग हंसेंगे हम पर, थू थू करेंगे, बातें बनाएंगे हमारे घर परिवार के नाम पे। हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे बड़ी दादी, जिससे इस घर की इज्जत पर आ जाए। तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों है तू? ताई जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। सुबह से बहुत कुछ हो चुका है इस घर में। अंजलि बेटा तू अंदर जा, कुछ खा ले जा। जा बेटा, जा बेटा। किशोरी नहीं बेटा, कुछ खाने से पहले अपनी सासू माँ के पैर छू लेना और उनका आशीर्वाद ले ले। जब से आपके साथ है हमेशा आपका सुरक्षा कवच, आपकी ढाल बनके आपके साथ खड़े रहे हैं। किसी ने हमारी थाली में कंकड़ भर दी, किसी ने हमारी मेहंदी में कुछ मिलाकर हमारे हाथों को जलाने की कोशिश की, आज आपने फिर हमें थाम लिया। ये है हमारे प्यार की ताकत। अंजलि गलत नहीं हो सकती। उसे समझने में गलती तो नहीं कर रहा। इससे पहले कि यश अंजलि की तरफ हो जाए, हमें अपनी अगली चाल चल लेनी चाहिए। क्या बात है यश, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या है ये? क्या है ये? सच बोला देते हैं। उस दिन तुम्हारी बाहों में ऋचा थी ना, हाँ? तुम लोग मुझे ऐसा दिखा रहे हो जैसे अंजलि थी। यश से तू दूर रहा कर। जब भी तू यश के पास होती है ना,
कुछ ना कुछ अनहोनी तो जरूर होती है। ग्रहण है तू यश की जिंदगी का। ना उस दिन तेरे भाव में मैं चाहती कि नहीं। तुझे ये फोटो अंजलि ने दिखाई ना, पता था मुझे तेरी नजरों में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए वैसा करेगी। क्या साबित होता है इस फोटो से? अंजलि ने रिचा को मेरी भाव में धक्का देकर ये कहा कि उस रात मेरे साथ रिचा थी, रिचा के बदले वो किसी आंटी को मेरी भाव में धक्का देती, तो क्या उस रात मेरे साथ आंटी थी? इस सबूत का कोई सरपैर नहीं है। अच्छा, अंजलि झूठी नहीं है, मैं जानता हूं उसे, धोखेबाज नहीं है वो। हम लड़के ना अक्सर प्यार में ये गलती करते हैं, हमें लगता है जिससे हम प्यार करते हैं हम उसे अच्छे से जानते हैं। अंजलि क्या है, कैसी है और क्या कर सकती है, ये तुम इस जन्म में तो नहीं जान पाओगे यश। सही वक्त का इंतजार करो यश, तुम्हें उसकी हकीकत जल्दी पता चल जाएगी। आखिर कहना क्या चाहता है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा है गोपाल, मेरा दिल कह रहा है कि अंजलि एकदम सच्ची है, मेरा दिमाग कह रहा है जैसे जैसे अंजलि ने मुझे धोखा दिया है। क्या करूं, किसका यकीन करूं? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो लड़नी होती है बेटा, आज तेरी वही लड़ाई थी। तू एक योद्धा की तरह लड़ी और जीती, आज तेरे प्यार की जीत हुई है, तेरी सच्चाई की जीत हुई है। और देख लेना बेटा, एक दिन फिर से तू यश जी का दिल भी जीत लेगी। लड़ाई तो अब शुरू हुई है माई, एक बात का ध्यान रखना बेटा, सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती। जीवन में समस्या आएंगी लेकिन उनका डटकर सामना करना है। विजय भव। आज अंजलि के चेहरे पे एक अलग सा ही तेज था, उसे इतना प्रताड़ित किया पर वो टूटी नहीं। हाँ मम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज उसने अपना व्रत पूरा कर ही लिया। सबकी नजरों में सावित्री बन गई वो, अपने पति के हाथ से पानी भी पी लिया और अपनी सास का आशीर्वाद भी ले लिया। उसने अगर आज हमारे चीर हरण वाली बात यश को बता दी होती तो मैं यश की नजरों में कितना गिर जाती। आज तो वो हर चीज में बाजी मार गई। टेंशन तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज यश का झुकाव भी उसकी तरफ हो रहा था। मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन आपकी बोलते क्यों बंद है मम्मी?
आज एक बात तो साफ हो गई कि अंजलि के साथ हम चाहे कुछ भी करें, वो इतनी ढीठ हो चुकी है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें अपना ध्यान अंजलि से हटाकर यश की तरफ करना होगा, क्योंकि यश अंजलि की तरह सख्त दिल नहीं है। हमें यश के दिल और दिमाग पर ऐसा वार करना होगा कि साक्षात भगवान भी आकर अंजलि को निर्दोष साबित करे ना, तो वो उसे दोषी ही समझे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तेरी मम्मी है ना, तो सब मुमकिन है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो अंजलि से हम जो चाहे वो करवाने की ताकत रखता है। सच? हम ऐसा कर सकते हैं? अंजलि, अंजलि, हे गोपाल, हम इतनी बेचैनी और घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अंजलि बेटा, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। ये क्या, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हम तेरे लिए दवाई लाते हैं। माई, अभी कुछ देर पहले आपने हमें आवाज लगाई थी क्या? नहीं तो कोई सपना देखा होगा तुम। हम दवाई लाते। ये दवाई खा के ना ठीक हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, हम खा लेंगे। खा लेना याद से। खा लेंगे माई। जय गोपाल, चलते हैं। अंजलि, 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 अंजलि,
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कोई बुला रहा है? नहीं नहीं, हमें लगता है हम बहुत थक गए हैं, हमें सो जाना चाहिए। भैरवी देवी नाम है मेरा। एक बार जो मेरे शरण में आ जाए तो सदैव के लिए मेरे वश में हो जाता है। अंजलि तक मेरी पुकार पहुंच गई है। अब जब जब मैं उसे पुकारूंगी तब तब उसे मेरे पास आना ही होगा। ओम फट स्वाहा। याद है ना, आज तुझे यश को कुछ भी करके मार्केट पॉइंट के पीछे वाले रास्ते पर लेकर आना है। आदित्य को भी बोल देना कि वो वहां पर टाइम पर पहुंच जाए। बाकी अंजलि कैसे पहुंचेगी ये तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ मम्मी, आप यश और आदित्य की चिंता मत करो, मैं उन दोनों को ले आऊंगी। आप बस ये सोचो कि अंजलि को कैसे लाओ। सोच लिया, अब जो हम चाहेंगे अंजलि वही करेगी। तुम ठीक तो है ना? ठीक है काका। लेकिन तुझे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है बेटा, तेरी तबीयत खराब लग रही है और तू ऐसी हालत में जा कहां रही है? गोपाल के कपड़ों का ऑर्डर मिला है ना, मटेरियल लेने जा रही। प्लान के मुताबिक अंजलि तो निकल गई, अब बस किसी भी तरह यश को लेकर जाना है। क्या कर रहे हो? अभी तक निकले नहीं और सब याद है ना? गुड मॉर्निंग यश, आज मौसम कितना सुहाना है ना? रिचा, मुझे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहां से। तुम्हें क्या हो गया यश? मैं कल से देख रही हूं तुम मुझे अवॉइड किए जा रहे हो। जरूर उस अंजलि ने तुम्हें बहकाया होगा ना? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो कोई भी मुझे बहका देगा? और अंजलि जो कर रही है वो सही है या गलत ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब जाने बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यश तुम आखिरी बार कह रहा हूं रिचा, मेरे और अंजलि से दूर रहो। अगर वो गलत है तो उसके साथ क्या करना है ये मैं तय करूंगा, लेकिन अगर वो सही है तो उसके साथ बुरा करने वालों के साथ क्या करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। इसलिए तुम बिना बात मेरी और अंजलि की जिंदगी में दखल देना बंद करो। सही कह रहे हो तुम, मैं होती कौन हूं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने वाली?
मैं तो तुमसे ये कहने आई थी बस, क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकते हो? प्लीज यश, मेरे लिए ना सही लेकिन हमारे हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो चलो। जब से तुमने मुझसे शादी करने से मना किया है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। अपनी फीलिंग्स तक किसी से शेयर नहीं कर पाती। मम्मी पापा को भी इस उम्र में मैं टेंशन नहीं देना चाहती। लेकिन अगर तुम नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। यश जी के दिल में भी कोई हमारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बहुत जल्द सबकी गलतफहमी दूर करेंगे। अंजलि, अंजलि, इसी तरह आ रही है, कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिलने तो नहीं आए? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।